और मैं जब होली खेलती हूँ तो सिर्फ ईश्वर के साथ खेलती बिल्कुल छोटा एक 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 फूल को किस तरीके से ईश्वर को अर्पण करना चाहिए कैसे उनके साथ होली खेले ताकि आपकी होली यू नीड टू बी मोर कॉन्शियस स्टॉप वेस्टिंग वाटर इवन इफ यू वांट टू प्ले लेट इट बी ड्राई और मैं जब होली खेलती हूँ तो सिर्फ ईश्वर के साथ खेलती बिल्कुल छोटा एक 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 फूल को किस तरीके से ईश्वर को अर्पण करना चाहिए कैसे उनके साथ होली खेले ताकि आपकी होली खुशियों भरी हो वेन वी टॉक अबाउट कलर्स वी थिंक अबाउट ब्लॉसमिंग वी थिंक अबाउट डिफरेंट एनर्जीज डिफरेंट वाइब्रेशन डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज और ये पहले रंग को जब हम सोचते हैं तो जो हमें चीजें याद आती है वो आती है फूल जैसे कि ये पिंक फ्लावर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करने पर आप वेल्थ और प्रोस्पेरिटी की एनर्जी को इनवाइट करते हैं इसको आप पेस्ट के फॉर्म में भी लगा सकते हैं रेड एंड ग्रीन टू माँ दुर्गा फॉर बेटर स्ट्रेंथ व्हाइट टू माँ सरस्वती फॉर बेटर विजडम येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन टू गणेश जी फॉर रिमूविंग ऑफ ऑप्स्टिकल्स ब्लू टू कृष्ण जी फॉर टेकिंग करेक्ट डिसीजन येलो टू विष्णु जी टू रिमूव ऑप्स्टिकल फॉर लाइफ ऑरेंज टू राम जी एंड साथ में हनुमान जी टू गिव यू मोर स्ट्रेंथ टू अचीव व्हाट इज इम्पॉसिबल इसी तरीके से करेक्ट फ्लावर को जब आप ईश्वर को अर्पित करते हैं और फिर उसको लेकर थोड़ा सा अपने फेस पर फोरहेड पर लगाते हैं तो आपकी लाइफ में जिंदगी भर रंग और खुशियाँ खिली रहती है